श्रीमद् भागवतम स्कंध 6 मनुष्य के लिए विहित कार्य अध्याय 18 राजा इंद्र का वध करने के लिए दिति का व्रत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि अदिति के 12 पुत्रों में से पांचवें पुत्र सविता की पत्नी प्रिशनी ने 3 कन्याएं सावित्री, व्याहृति और त्रयी और अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य और पंच महायज्ञ नामक पुत्रों को जन्म दिया। हे राजन, अदिति के 6ठे पुत्र भग की पत्नी, जिसका नाम सिद्धि था, उसे 3 पुत्रों महिमा, विभु और प्रभु और एक अत्यंत सुंदरी कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम आशी था। अदिति के 7वें पुत्र धाता की 4 पत्नियां थीं, जिनके नाम कुहु, सिनिवाली, राका और अनुमति थे। इन चारों पत्नियों से क्रमशः सायम, दर्श, प्रातः और पूर्णमास नामक 4 पुत्र हुए। अदिति के 8वें पुत्र विधाता की पत्नी का नाम क्रिया था। क्रिया से विधाता के 5 पुत्र हुए, जिन्हें पुरीष्य कहा जाता था। अदिति के 9वें पुत्र वरुण की पत्नी का नाम चर्षणी था। चर्षणी के गर्भ से ब्रह्मा के पुत्र भरिगु ने फिर से जन्म लिया। वरुण के वीर्य से परम योगी वाल्मीकि का जन्म एक दीमक के टीले से हुआ था। भरिगु और वाल्मीकि वरुण के विशिष्ट पुत्र थे, जबकि अगस्त्य और वशिष्ठ ऋषि वरुण और मित्र अदिति के 10वें पुत्र के संयुक्त पुत्र थे। मित्र और वरुण ने स्वर्ग की सुंदरी उर्वशी को देखकर वीर्य का स्खलन किया, जिसे उन्होंने एक मिट्टी के पात्र में रखा। बाद में उसी पात्र से 2 पुत्र हुए, जिनके नाम अगस्त्य और वशिष्ठ थे। ये संयुक्त उभयनिष्ठ पुत्र हैं। मित्र को अपनी पत्नी रेवती के माध्यम से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उत्सग, अरिष्ट और पिप्पल थे। हे राजा परीक्षित, स्वर्गलोक के राजा और अदिति के 11वें पुत्र इंद्र की पत्नी पौलोमी के गर्भ से जयंत, ऋषभ और मीढ़ुष नाम के 3 पुत्र हुए, ऐसा हमने सुना है। अपने सामर्थ्य से अनेक शक्तियों वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने वामन के रूप में जन्म लिया, जिन्हें अदिति के 12वें पुत्र उरुक्रम के रूप में जाना जाता है। उनकी पत्नी कीर्ति के गर्भ से बृहत्श्लोक नामक एक पुत्र ने जन्म लिया, जिनके सौभग आदि कई पुत्र हुए। और फिर श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध में मैं यह वर्णन करूंगा कि किस तरह उरुक्रम भगवान वामनदेव परम साधु कश्यप के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और कैसे उन्होंने 3 लोकों को अपने पगों से नाप लिया। मैं उनके अपूर्व कर्मों, गुणों, शक्ति तथा अदिति के गर्भ से जन्म ग्रहण करने के संबंध में भी वर्णन करूंगा। अब मैं दिति के उन पुत्रों के बारे में बताऊंगा जो कश्यप से उत्पन्न हुए थे, लेकिन जो दानव बन गए। इस दानवीय वंश में महान भक्त प्रहलाद महाराज और बलि महाराज भी हुए। दानवों को दैत्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। सर्वप्रथम दिति के गर्भ से 2 पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली थे और दैत्यों और दानवों द्वारा पूजित थे। हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम कायाधु था। वह जंभ की पुत्री और दनु की वंशज थी। उसके एक के बाद एक करके 4 बेटे हुए, जिनके नाम सनहलाद, अनुहलाद, हलाद और प्रहलाद थे। इन चारों भाइयों की एक बहन भी थी, जिसका नाम सिम्हिका था। सिम्हिका ने विप्रचित नामक असुर से विवाह किया और राहु नामक असुर को जन्म दिया। जब राहु ने छद्मवेश धारण करके देवताओं के बीच अमृतपान किया तो भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया। सनहलाद की पत्नी का नाम कृति था। सनहलाद के साथ कृति ने संभोग किया और उस संयोग के फलस्वरूप उसके पंचन नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हलाद की पत्नी धमनी थी। उसने वातापी एवं इल्वल नामक 2 बेटों को जन्म दिया। जब अगस्त्य मुनि इल्वल के अतिथि बने तो इल्वल ने वातापी को, जो मेढ़े के रूप में था, पकाकर खिलाया। अनुहलाद की पत्नी का नाम सूर्या था। उसने बाशकल और महेश नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। प्रहलाद का एक बेटा हुआ था, जिसका नाम विरोचन था, जिसकी पत्नी ने बलि महाराज को जन्म दिया था। इसके बाद अश्ना के गर्भ से महाराज बलि को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनमें से राजा बाण सबसे बड़े थे। बलि महाराज का चरित्र बहुत प्रशंसनीय है और उसका वर्णन आगे 8वें स्कंध में किया जाएगा। चूंकि राजा बाण भगवान शिव की पूजा करने वाले थे, इसलिए वे उनके सबसे प्रसिद्ध सहयोगियों में से एक बन गए। आज भी भगवान शिव राजा बाण की राजधानी की रक्षा करते हैं और हमेशा उनके साथ रहते हैं। दिति के गर्भ से 49 मरुतदेव भी प्रकट हुए।
हालांकि दिति ने उन्हें जन्म दिया था, परंतु उनमें से किसी के भी संतान नहीं हुई। राजा इंद्र ने उन्हें देवताओं में स्थान प्रदान किया। राजा परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, जन्मजात आसुरी प्रवृत्ति के होने के कारण उन 49 मरुद्गणों को इंद्र ने देवता क्यों बना दिया? क्या उन्होंने कोई पुण्य कर्म या अनुष्ठान किए थे? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं और यहाँ उपस्थित सभी ऋषिजन इसे जानने के इच्छुक हैं। अतः हे महात्मा, हमसे इसका कारण बताएं। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, है महर्षि शौनक, महाराज परीक्षित को आवश्यक विषयों पर विनम्रता पूर्वक और संक्षेप में बोलते देख हर चीज के जानकार सुखदेव गोस्वामी ने उनके प्रयासों की सराहना की और इस प्रकार उत्तर दिया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सिर्फ इंद्र की मदद करने के लिए भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नाम के दो भाइयों का वध कर दिया। उनके मारे जाने के कारण उनकी माँ दिति शोक और क्रोध से भर गईं और इस प्रकार विचार करने लगीं। इंद्र बहुत अधिक कामुक है, उसने भगवान विष्णु की सहायता से मेरे भाई हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का वध किया है। वो बहुत क्रूर और पापी है, मैं कब उसे मारकर शांत हो पाऊंगी? समस्त राजाओं और महान नायकों का शरीर मृत्यु के बाद कीड़े, विष्ठा या राख में बदल जाता है। अगर कोई व्यक्ति ईर्ष्या के कारण दूसरों की हत्या करके इन शरीरों की रक्षा करता है तो क्या वो जीवन के असली मकसद को जानता है? बिल्कुल नहीं जानता, क्योंकि दूसरे जीवों से ईर्ष्या रखने वाले नरक जाते हैं। दिति ने सोचा, इंद्र अपने शरीर को अमर समझकर अनियंत्रित हो गया है, इसलिए मैं एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र के घमंड को चूर्ण कर सके। इसके लिए मैं कुछ उपाय अवश्य करूंगी। इस तरह से विचार करते हुए इंद्र को मारने के लिए एक पुत्र की इच्छा से दिति लगातार कश्यप को अपने आकर्षक व्यवहार से प्रसन्न रखती थी। हे राजा, दिति कश्यप की सभी आज्ञाओं का पालन बहुत निष्ठा से करती रही। वो सेवा, प्रेम, विनय और आत्मसंयम के साथ और अपनी मीठी वाणी से और अपनी मुस्कान और नजरों से कश्यप के मन को आकर्षित करती रही और उन्हें अपने वश में कर लिया। यद्यपि कश्यप मुनि विद्वान थे, वे दिति के बनावटी व्यवहार से प्रभावित हो गए और उसके नियंत्रण में आ गए। उन्होंने त्वरित आश्वासन द्वारा उसकी इच्छाएं पूरा करने का वादा किया। पति का ऐसा वादा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सृष्टि की रचना के आरंभ में ब्रह्मांड के प्राणियों के पिता भगवान ब्रह्मा ने देखा कि सभी प्राणी वैराग्य और मोक्ष के मार्ग पर चल पड़े हैं। अतः जनसंख्या को बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने पुरुष के आधे अंग से स्त्री की रचना की, क्योंकि स्त्री का आकर्षक व्यवहार और सौंदर्य पुरुष के मन को मोह लेता है। हे मेरी प्रिय, अपनी पत्नी दिति के नम्र व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न होकर परम शक्तिशाली संत कश्यप मुस्कुराए और उसे इस प्रकार बोले। कश्यप मुनि ने कहा, है सुंदर स्त्री, मैं आपके आचरण से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए आप चाहें जो भी वर मांग सकती हैं। अगर पति प्रसन्न हो तो इस दुनिया में या अगली दुनिया में पत्नी की कौन सी इच्छा पूरी नहीं हो सकती? स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वोच्च देवता होता है। विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी के पति, सभी के हृदय में वास करते हैं और कामना पूरी करने वाले भक्त विभिन्न नामों और देवताओं के रूप में उनकी पूजा करते हैं। इसी प्रकार एक पति भगवान का प्रतिनिधित्व करता है और एक महिला के लिए पूजा का विषय होता है। हे सुंदर शरीर वाली मेरी प्रिया, अपने पति की आज्ञा का पालन करने वाली और सदाचार का पालन करने वाली पत्नी को वासुदेव के प्रतिनिधि के रूप में अपने पति को भक्तिभाव से पूजना चाहिए। हे प्रिय सद्गुणी पत्नी, तूने मुझे श्री भगवान का प्रतिनिधि मानकर अपार श्रद्धा और भक्ति से पूजा की है, अतः मैं तेरी अभिलाषाओं को पूरा करके तुझे पुरस्कृत करूंगा, जो असती पत्नी के लिए असंभव है। दिति ने उत्तर दिया, है स्वामी, हे महापुरुष, मैंने अपने दो पुत्र खो दिए हैं। यदि आप मुझे कोई वर देना चाहते हैं तो मैं एक ऐसा अमर पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध कर सके। मैं यह इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इंद्र ने विष्णु की मदद से मेरे दो बेटों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को मार डाला है। कश्यप मुनि ने दिति के वरदान के अनुरोध पर बहुत चिंता व्यक्त की। उन्होंने पछताते हुए कहा, हाय, अब मेरे सामने इंद्र को मारने का पापपूर्ण कार्य करने का खतरा आ गया है। कश्यप मुनि मन ही मन सोच रहे थे कि मैं अब सांसारिक भोगों में बहुत अधिक आसक्त हो गया हूँ। इसका लाभ उठाकर भगवान की माया ने मुझे स्त्री, मेरी पत्नी के रूप में भ्रमित कर दिया है।
इसलिए अब मैं निश्चित रूप से एक पापी हूँ और अवश्य ही नरक में जाऊँगा। मेरी यह पत्नी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार काम करती रही, अतः उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पर मैं पुरुष हूँ, मेरे ऊपर ही पूरा दोष है, क्योंकि मैं ये जान नहीं पाया कि मेरी भलाई किसमें है, क्योंकि मैं अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सका। स्त्री के मुख पर शरद काल में खिला कमल सा निखार और सुंदरता होती है। उससे निकलने वाले शब्द भी बहुत ही मधुर होते हैं और कानों को सुहाते हैं, लेकिन अगर स्त्री के चित्त को समझना चाहें, तो पाएंगे कि वो उस्त्रे की धार की तरह बहुत ही तेज होता है। ऐसी दशा में कोई भी स्त्री के मन की तह तक कैसे पहुंच सकता है? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए स्त्रियां पुरुषों के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं, मानो वे उनके लिए सबसे प्यारे हों, लेकिन वास्तव में उनका कोई भी प्यारा नहीं होता। स्त्रियों की यह छवि होती है कि वे बहुत साधु स्वभाव की होती हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए वे अपने पति, पुत्र या भाई को भी जान से मार सकती हैं या उन पर हमला करवा सकती हैं। मैंने उसे वरदान देने का वचन दिया है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इंद्र मारे जाने लायक नहीं है। ऐसी स्थिति में मैंने जो समाधान निकाला है वो उचित है। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार विचार करते हुए कश्यप ऋषि थोड़ा बहुत क्रोधित हो गए। हे कुरुवंशी महाराज परीक्षित, अपने आप को धिक्कारते हुए वेदिति से इस प्रकार बोले। कश्यप मुनि ने कहा, हे कल्याणी, यदि तुम इस व्रत को लेकर मेरे उपदेशों का कम से कम एक वर्ष तक पालन करोगी तो निश्चित तौर पर तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो इंद्र का वध कर सकेगा। किंतु यदि तुम वैष्णव नियमों का पालन करने वाले इस व्रत से थोड़ा सा भी विचलित हो गई तो तुम्हें जो पुत्र प्राप्त होगा वो इंद्र का अनुयायी होगा। दिति ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मैं आपके परामर्श को स्वीकार करती हूँ, मैं व्रत का पालन करूंगी। अब आप मुझे स्पष्ट बतावें कि मुझे व्रत के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है और किन कार्यों के कारण मेरा व्रत भंग हो सकता है। कश्यप मुनि बोले, हे पत्नी, इस व्रत के दौरान न तो क्रोधित होना है और न ही किसी को कष्ट पहुंचाना है, किसी को शाप नहीं देना है और न ही झूठ बोलना है। अपने नाखून व बाल न काटें और हड्डियां व खोपड़ी जैसी अशुद्ध वस्तुओं को छूना भी नहीं है। कश्यप मुनि ने आगे कहा, हे कल्याणी, नहाते समय पानी में कभी न घुसे, कभी क्रोध न करे और न दुष्ट लोगों से कभी बात करें या साथ रखें। कभी भी बिना धुले वस्त्र न पहने और पहले धारण की गई माला को कभी न पहने। कभी भी जूठन न खाएं, देवी काली दुर्गा को चढ़ाया हुआ प्रसाद न खाएं और मांस या मछली से मिश्रित कोई भी वस्तु न खाएं। किसी भी ऐसी सामग्री को न खाएं जो किसी शूद्र ने लाई हो या शूद्र द्वारा छू ली गई हो अथवा रजस्वला स्त्री ने देख ली हो। पानी अंजलि से पीने से बचें। भोजन कर लेने के बाद बिना मुंह, हाथ और पांव धोएं सड़क पर बाहर नहीं निकलो। तुम्हें न तो शाम को या बाल खुले हुए और न बिना आभूषणों के बाहर जाना चाहिए। जब तक तुम्हारी वाणी संयमित न हो और शरीर ठीक से ढका न हो, तब तक तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तुम्हें न तो दोनों पांव धोए बिना या शुद्ध हुए बिना, न ही गीले पांव अथवा अपना सिर पश्चिम या उत्तर करके सोना चाहिए। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय निर्वस्त्र होकर या अन्य स्त्रियों के साथ नहीं लेटना चाहिए। धुले हुए वस्त्र धारण करके सदैव स्वच्छ रहकर तथा हल्दी चंदन और अन्य शुभ सामग्रियों से सुशोभित होकर भोजन करने से पहले गायों, ब्राह्मणों, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी और परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत का पालन करने वाली स्त्री पुष्प माला चंदन गहने और अन्य सामग्रियों से उन विवाहित महिलाओं की पूजा करे जिनके पुत्र हैं। गर्भवती महिला को अपने पति की पूजा करनी चाहिए और उससे प्रार्थना करनी चाहिए। उसे ये सोचकर उसका ध्यान करना चाहिए कि वो उसके गर्भ में स्थित है। कश्यप मुनि ने आगे कहा, यदि तुम श्रद्धा पूर्वक कम से कम एक वर्ष तक इस व्रत में लगी रहकर पुंसवन अनुष्ठान को करोगी तो तुम्हारे एक पुत्र का जन्म होगा जो इंद्र का वध करने के भाग्य वाला होगा। लेकिन अगर इस व्रत में कोई गलती हो गई तो तुम्हारा पुत्र इंद्र का मित्र बनेगा। हे राजा परीक्षित, कश्यप की पत्नी दिति ने पुंसवन नामक पवित्रता की प्रक्रिया अपनाने का वादा किया। उसने कहा, हाँ, मैं आपके निर्देशानुसार सब कुछ करूंगी। वह बहुत खुशी से कश्यप का वीर्य धारण करके गर्भवती हुई और श्रद्धा से व्रतों का पालन करती रही। हे राजन, सबका सम्मान करने वाले,
इंद्र ने दिति के मंसूबे को समझ लिया, इसलिए वो अपने स्वार्थ के लिए युक्ति सोचने लगा। उसने ये तर्क दिया कि आत्मरक्षा प्रकृति का पहला नियम है और इसलिए वो दिति की प्रतिज्ञा को भंग करना चाहता था। इसके लिए वो अपनी मौसी दिति की सेवा में लग गया, जो आश्रम में रह रही थी। इंद्र प्रतिदिन जंगल से फूल, फल, कंद, समिधा तथा यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री लाकर अपनी मौसी की यथाशक्ति सेवा करने लगा। वो उचित समय पर कुश, पत्तियां, प्ररों, मिट्टी तथा पानी भी लाता था। हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार कोई शिकारी हिरण को मारने के लिए हिरण की खाल पहनकर और हिरणों की तरह व्यवहार करके अपने आप को उनके जैसा बना लेता है, उसी तरह से इंद्र, जो असल में दिति के बेटों का दुश्मन था, बाहर से उनका मित्र बनकर दिति की बहुत श्रद्धा से सेवा करने लगा। इंद्र का मकसद दिति के व्रत में कोई गलती ढूंढकर उसे धोखा देना था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि कोई उसे पहचान ले, इसलिए वह बहुत सावधानी से उसकी सेवा कर रहा था। हे जगदम्बा, जब इंद्र को कोई दोष नहीं मिला, तब उसने सोचा, अब मेरा भला कैसे होगा? इस प्रकार वह अत्यंत चिंतित हो गया। कठोर तपस्या करते करते अति क्षीण और कमजोर हो जाने के कारण एक बार दिति ने भोजन के बाद मुंह, हाथ और पैर धोना भूलकर ही संध्या के समय सो गई। इस त्रुटि को पाकर समस्त योग सिद्धियां जैसे अणिमा और लघिमा धारण करने वाले इंद्र अचेत दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए, जो गहरी नींद में सोई हुई थी। दिति के गर्भ में प्रवेश के बाद अपने वज्र के इस्तेमाल से इंद्र ने चमकते सोने की तरह दिखने वाले उसके भ्रूण को 7 हिस्सों में विभाजित कर दिया। 7 अलग अलग स्थानों पर 7 जिंदा प्राणी रोने लगे। तब इंद्र ने उनसे कहा, रो मत, और फिर से उनमें से प्रत्येक को 7 टुकड़ों में काट डाला। हे राजन, हम बहुत दुखी हैं, इसलिए हाथ जोड़कर इंद्र से निवेदन करते हैं, हे इंद्र, हम तुम्हारे भाई मरुद्गण हैं, तुम हमें क्यों मार रहे हो? जब इंद्र ने देखा कि वे वास्तव में उसके समर्पित भक्त थे, तो उसने उनसे कहा, यदि तुम मेरे सगे भाई हो, तो तुम्हारे लिए डर की कोई बात नहीं है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आप जल गए थे, लेकिन जब श्री कृष्ण आपकी माँ के गर्भ में प्रवेश किए तो आप बच गए। ठीक उसी प्रकार इंद्र ने एक भ्रूण को वज्र से 49 भागों में काट दिया था, फिर भी वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से बच गए। यदि कोई एक बार भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करे, तो वे वैकुंठ में जाने के योग्य हो जाते हैं और भगवान विष्णु के समान रूप धारण कर लेते हैं। संकल्प पूर्वक नियमों का पालन करते हुए दिति ने लगभग 1 वर्ष तक भगवान विष्णु की पूजा की। आध्यात्मिक जीवन की इस शक्ति से 49 मरुद्रगण पैदा हुए। तब यह आश्चर्य की बात नहीं है कि दिति के गर्भ से जन्मे मरुद्रगण भगवान के कृपा से देवताओं के समान हो गए। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम की पूजा से दिति पूर्ण रूप से शुद्ध हो गई। जब वो बिस्तर से उठी तो उसने इंद्र समेत 49 पुत्रों को देखा। वे सभी अग्नि के समान तेजस्वी थे और इंद्र से मित्रता रखते थे, इसलिए वो बहुत प्रसन्न थी। तत्पश्चात दिति ने इंद्र से कहा, है पुत्र, मैं इस कठिन व्रत का इसलिए पालन कर रही थी कि तुम बाकी 12 आदित्यों को मारने के लिए एक पुत्र प्राप्त कर सकूं। मैंने केवल एक बेटा मांगा था, पर मैं देखती हूं कि यहां 49 हैं। ये कैसे हो गया? मेरे प्यारे बेटे इंद्र, अगर तुम जानते हो तो मुझे सच बताओ, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। इंद्र ने जवाब दिया, हे माता, स्वार्थ के अंधेरे में धर्म से मेरी दृष्टि ओझल हो गई थी। जब मुझे पता चला कि आप आध्यात्मिक जीवन का महान व्रत निभा रही हैं, तो मैं उसमें कोई खोट निकालना चाहता था, और जब मुझे खोट मिल गया तो मैं आपके गर्भ में घुस गया और मैंने गर्भ को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सबसे पहले मैंने पेट में पल रहे बच्चे को 8 टुकड़ों में काटा, जिससे 8 बच्चे बन गए। फिर मैंने फिर से हर बच्चे को 8-8 टुकड़ों में काट दिया। हालांकि सर्वशक्तिमान भगवान की कृपा से उनमें से कोई भी मरा नहीं। हे माता, जब मैंने देखा कि सभी 49 पुत्र जीवित हैं, तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। मेरा विश्वास है कि यह आपके विष्णु भक्ति में नियमित पूजा अर्चना करने का ही फल है। यद्यपि परम पुरुषोत्तम भगवान की उपासना में रत रहने वालों को भगवान से किसी प्रकार की भौतिक इच्छा, यहाँ तक कि मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहती, फिर भी भगवान कृष्ण उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं।
सभी आकांक्षाओं का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान का दास बनना है। यदि कोई समझदार व्यक्ति परम प्रिय भगवान की सेवा करता है, जो अपने भक्तों को स्वयं को समर्पित कर देते हैं, तो वो भौतिक सुख की कामना कैसे कर सकता है, जो नरक में भी उपलब्ध है? हे माता, हे सर्वश्रेष्ठ महिला, मैं मूर्ख हूँ। मैंने जो भी अपराध किए हैं, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। आपके 49 पुत्र आपकी भक्ति के कारण ही बिना किसी नुकसान के पैदा हुए हैं। मैंने दुश्मन होने के नाते उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया था, लेकिन आपकी महान भक्ति के कारण वे नहीं मरे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, दिति इंद्र की इस उत्तम आचरण से अत्यंत प्रसन्न हुई। तब इंद्र ने अपनी मौसी को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर मरुद्गण भाइयों के साथ स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर गया। हे राजा परीक्षित, मैंने तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों, खास तौर पर मरुतों के इस पवित्र और शुभ विवरण के बारे में, जहाँ तक संभव हुआ उत्तर दिया है। अब तुम जो कुछ और पूछना चाहो वो पूछो, मैं उसे भी विस्तार से बताऊंगा।